असलम प्रोग्राम सेव सिटी के मेहमान के साथ मैं हूं मोहम्मद फ़ाइक नाजन जैसा कि आप सबको पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इसके साथ ही साथ स्मोग ने भी अपने डेरे जमाए हुए हैं जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां आ रही हैं खासकर अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में नमूनिया हो रहा है इन सारी बीमारियों से किस तरह से बचा जाए और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जाएँ इन सारे मौजूद पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सादिक साहब जो कि पलमानोलॉजिस्ट हैं आइए उनको प्रोग्राम में खुश आहदीद कहते हैं सर वेरी वेरी वॉम वेलकम कैसे हैं वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया जी सेफ सिटी का और बड़ा करंट इशू है इस वक्त और ये मौजू भी बहुत अच्छा चुना है लोगों की अवेयरनेस के लिए तो इन इस पर बात होती है बहुत शुक्रिया सर आपका बहुत शुक्रिया सर सर्दी बहुत पड़ रही है सर्दी <laughs> हमेशा से आती <laughs> है पोल्यूशन बढ़ गई है ये कैसे है? खास तौर पे लाहौर में हम लोगों की वजह से तो इसलिए सर्दी ज्यादा महसूस हो रही है मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही है पिछले सालों की देखें अर्बनाइजेशन हो रही है लोग मूव कर रहे हैं शहरों में आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट बढ़ती जा रही है घर ज़्यादा बन रहे हैं ये भी एक वजह है कंजेशन होने की वजह से ट्रांसपोर्ट होने की वजह से तो ये पोल्यूशन जो बढ़ी उससे फिर सर्दी की शिद्दत शिद्द में हो जा रहा है अजार जी डॉक्टर तो साहब इस मौसम में नमूनिया की शिकायत बहुत ज्यादा होती है खासकर नौजायदा बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चे होते हैं इसकी क्या अलामत हैं अगर नमूनिया किसी को हो जाए तो अच्छा बच सबसे बड़ी बात है नमोनिया है क्या चीज नमोनिया जो चस्ट इन्फेक्शन है फेफड़ों के इन्फेक्शन को चाहे वो वायरस से हो जाए बैक्टीरिया से हो जाए यानी कोई भी बायस का जो जरासीम है वो अटैक जब करता है उसको हम नमोनिया कहते हैं रेस्पिरेट इन्फेक्शन भी कहते हैं नमोनिया भी कहते हैं अब नमोनिया की कही एक शिदत वाला हो गया कम शिद्दत वाला हो गया बच्चों में क्यों होता है कोई भी शरीर मौसम हो बच्चों की इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा नहीं यानी इतनी एडल्ट की होती उनमें इतनी अभी डेवलप नहीं होते फेफड़े भी और उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं होता सेकेंड की उनकी डाइट भी उस तरह की नहीं यानी बड़ों जैसी होती चौथी कि ये एहतियात या बच्चों को तो हम खुद ही एहतियात से अच्छे मोटे कपड़े पहनाएंगे डाइट अच्छी करेंगे तो बचेंगे यानी वो एक्सपोज हो जाती हैं सर्दी को तो जो ठंडी हवाटड खास तौर पे जो पॉल्यूशन वो जब अंदर जाती है फेफड़ों में वो जाके इन्फेक्शन का आस करती है डॉक्टर साहब नज़ला फ्लू तो नॉर्मली हो जाता है सर्दियों में तो इसकी तशीस किस तरह से की जाए कि ये नमोनिया की शिकायत हो गई है हाँ जी जो नज़ला काम आम उसमें सिंपली ये होता है कि आपको जैसे पानी नाक से बह रहा है छींके आ रही या हल्का फुल्का बुखार हो गया बॉडी हो नमोनिया में आपको हाई ग्रेड टम्परेचर भी होगा लो ग्रेड भी हो सकता है उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपका जो सांस है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू आपकी पसलियाँ चलनी ख़ास और बच्चों में की बात है पसलियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं और बच्चा डिस्ट्रेस में होता है ना खाना पीना भी उसका कम हो जाता है और उसकी तशखीस फिर आप एक्सरे जस्ट करवाएंगे या माहिर जो बच्चों का या चस् का वो छाती सुन के बताएगा कि इसके सीने से आवाज़ें किस तरह की आ रही हैं आम एस्थमा की आ रही हैं या नमोनिया की आ रही हैं डॉक्टर साहब दो तीन दफा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है बच्चों में अक्सर जब कोई नमूनिया की शिकायत होती है या बुखार हो जाता है सर्दी के मौसम की बात कर रहा हूँ तो हमने कपड़े पहनाए है होते हैं वूल के कपड़े या तीन चार उसके ऊपर स्वेटर दिए होते हैं जी। तो अक्सर जब हस्पताल जाते हैं तो कहते हैं उतार दें इसको जी जी ऐसा क्या कि आपको ज्यादा कपड़े पहनने चाहिए कम पहनाने चाहिए बुखार में क्या करना चाहिए अच्छा नहीं वो बात यह कि जब बॉडी टेम्परेचर अगर एक या एक से ऊपर जाता है तो आप जितना वार्म करेंगे तो और बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा फिर वो टेम्परेचर लो नहीं होगा तो इसलिए करते हैं कि आपकी स्किन को फ्रेश एयर रहे कोल्ड एयर तो आपके बॉडी का टेम्परेचर कम से कम हंड्रेड पे आए क्योंकि जितने भी एंटीबायोटिक बुखार की दवाइयां हैं वो बहुत ज्यादा बुखार में तेज में नहीं दी जाती पहले बॉडी को थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जाता है, है। इसी तरह एंटीबायोटिक भी उस वक्त फौरन नहीं दिया जाता इसलिए एक्सपोज करती हैं कि आप कपड़े कम करें रूटीन में तो आपने पहन नहीं है लेकिन जब टेम्परेचर हाई हो गया तो फिर आप आपने काम तो घर में भी यही प्रैक्टिस करनी चाहिए घर में अगर कैसे पता चलेगा कि कपड़े उतारने क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है आपका देखिए बच्चा जब एक्टिव खाता पीता खेलता है तो इसका मतलब उसको जरूरत नहीं जब बच्चा फीड काम कर देता है ना खाना पीना और सुस्त होना शुरू हो जाता है या ड्राउज थोड़ा सा मतलब उसकी रूटीन से हट के फिर आपको माँ को

अक्साम हम इस तरह तो कहते हैं कि थोड़ा नमूनिया ज़्यादा नमूनिया और बहुत शिद्दत वाला नमूनिया आम नमूनिया जो जस्ट इन्फेक्शन है इसको भी आप ए, कह देते हैं उसमें तो चलो घर में आप एंटीबायोटिक डॉक्टर ने दे दिए और खा लिए जो सवैया इसमें फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा है सांस भी बहुत ख़राब हो गया है जो फेफड़े सारे वाले वो एडमिटेड होगा उसको फिर इंजेक्शन के लिए ही आप दवाइयाँ देते हैं और उसमें बच्चों का पता भी नहीं चलता एकदम से नमोनिया के बच्चे को लेप्स करते हैं कि उनके फेफड़े ऑक्सीजन बनानी कम कर देते हैं और फिर बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो इसलिए उनको हॉस्पिटलाइज ही करते हैं करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज यहाँ पर आती है वो होती है खुराक जी। उस वक्त बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं अगर हम बड़ों की भी बात करें जी। बड़ों जी। भी होता है। तो खुराक कौन सी इस्तेमाल की जाए इफ अगर मैं बात करता हूँ अडल्ट की उनके लिए कौन सी डाइट होनी चाहिए और इसी तरह बच्चों को कौन सी डाइट लेनी चाहिए देखिए हेल्थी डाइटी खास जैसे एग है बच्चों को भी आप दे सकते हैं मैश करके बड़े भी ले सकते हैं यानी सूप है जैसे यखनियाँ बना लें यानी इस तरह की जो यानी जो लें भी आप कम मकदार में जिससे एनर्जी आप में या इम्यूनिटी पैदा हो उस तरह की डाइट आप लेंगे जैसे मतलब सब्जियाँ हैं तो उसमें से इतनी एनर्जी नहीं आएगी आप मीट ले सकते हैं कोई भी किस्म का मीट ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये मछली ही हो यानी आप एग ले सकते हैं यानी इस तरह की डाइट आप जो हेल्दी जिससे आपको बॉडी में एनर्जी भी मिले और इम्यूनिटी भी डेवलप हो वो दे छोटे बच्चों की बात करते हैं वो कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं उनके लिए, उन लिए देखें अब जैसे एक साल या डेढ़ साल तो उसको तो फिर आप नोजायदा नो एक तो आप यानी आर्टिफिशल दूध ही हैं जैसे बने हुए हैं वो हैं आप अंडे को बहुत ही मैश करके पतला करके वो भी दे सकते हैं बारीक यखनी पतली बना के उसमें सारा कुछ आ जाता है वो दे सकते हैं आप ग्राइंड करके जो ड्राई फ्रूट्स है ना उसको पाउडर फॉर्म में वो थोड़ा बहुत भी आप दे सकते हैं गर्म चीजों तो की तरफ ज्यादा नहीं गर्म नहीं।, नहीं एनर्जी जिसमें कैलोरी जिस जिसमें मिले प्रोटीन भी और कैलोरी भी मिले अच्छा भी आपने आर्टिफिशियल दूध की बात की है तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम गुफ्तगु करना चाहिए सिर्फ थोड़ा सा इसके ऊपर बता दीजिए ब्रीफली कि ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम कि नहीं करना देखें अगर स्टैंडर्ड हाँ। फार्मूला का बना हुआ है तो ज़ाहरा पहली तो, एक one, तो है कि फीड सबसे दुनिया में नंबर वन प्रदरफीड लेकिन अगर आप नहीं हो सकता पूरा या आप अपने एडिशनल डाइट देनी है तो फिर ज़ाहरा आपने आर्टिफिशियल दूध देना ही है ना आपने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में से वो मजबूरी है फिर देना आपकी क्योंकि ये पूरा नहीं हो सकता इस तरह जी क्या का इलाज घर में किया जा सकता है हाँ माइल जो अगर तो थोड़ा बुखार है है तो बिल्कुल दिया जा सकता है आपको इस तरह देखते रहे आपकी बात को कट किया बहुत सारी ऐसी इलाम बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ छोटी छोटी होती हैं जिसका हम ट्रीटमेंट घर में करने की कोशिश करते हैं आपके ख्याल में डॉक्टर से रुजू करना चाहिए फ़ौरन से या कितने दिन बाद करना चाहिए एक, होते हैं कि एक 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 होते ना कि बच्चा बीमार आज हुआ तो दिन, दिन। आपके आप बच्चों के मामले में मेरा नहीं ख्याल के इतना वेट। अगर आपका बच्चा अगर तो आपकी इजिली एक्सेबल है आपके पास डॉक्टर करीब मौजूद है या कम अज कम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल माशा इतने अच्छे हैं अवेलेबल हर दफा हर वक्त आउटडोर है एमरजेंसी में

नमूनिया अगर एक दफ़ा हो जाए जिंदगी में तो दोबारा भी हो सकता है नहीं ये नमूनिया का मतलब है कि जस्ट इन्फेक्शन अगर आपने प्रॉपरली एंटीबायोटिक प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कोई ऐसी बात नहीं है दोबारा उसका कोई तल्लक नहीं होने का या ये कोई ये ऐसे नहीं है कि अगर इस साल हुआ तो आईदा साल भी होगा ये रिकवरी हंड्रेड परसेंट रिकवरी है सवाल होता है हो गया दोबारा भी शायद होगा या अच्छा इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं साइड इफेक्ट हैं कि अगर आपने प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया तो डेथ यानी अगर आप नहीं है, इसका इलाज कर आपके फेफड़े डैमेज हो सकती हैं बॉडी के और भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है नमोनिया की सबसे बड़ी तो है अल्लाह ना करे डेथ हो सकती है इसलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए बिल्कुल जी इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है अगर नोजायदा बच्चे हो तो उनको फॉरेन अस्पताल लेके जाना अभी हमें लेनी है ब्रेक ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं वी गो थाना सिटी कबीर वाला कैरी ऑन वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन का केस फॉरवर्ड किया है आपको अभी लोकेशन आ गई होगी आपके पास right, लड़की right. को लड़का तंग कर रहा है लड़की बहुत घबराई हुई है फौरी रिस्पॉन्ड करें इस कॉल पे ओवर रोजर प्लीज मेरे पास वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन पे एक मैसेज मौसू हुआ था सिटी कबीरवाला से लड़की का मैसेज था वो कह रही थी कि मैं रोड पे जा रही हूँ और एक लड़का मुसल मुझे, मुझे हरास कर रहा है मेरा पीछा कर रहा है तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया था जैसे उसने मुझे चैट की तो मेरी मेरे पास उसकी लोकेशन तो आ गई मैंने उसे फ़ौन कहा कि आप घबराएं नहीं किसी दुकान में चली जाएँ या किसी रश वाली जगह पर चली जाए ऐसी जगह पर चली जाएँ जहाँ पर कुछ लोग मौजूद हों मैंने थाना सिटी कबीरवाला में ऑफ़िसर से कांटेक्ट किया और उसको फौरन वहां पर डिस्पैच किया मैंने बाद में लड़की से कांटेक्ट किया था उसे पूछा था कि आपको बर वक्त मदद मिल गई थी उसने फिर मुझे कहा कि मैं फासल घर पहुंची हूं आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आपको एक दफा प्रोग्राम में खुश सबको पता है कि फ़जाई सांस और आँखों की बीमारियों का बन रही है। और इसके लिए कौन कौन सी एहतियाती इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम इनसे बच सकते हैं इन बीमारियों को मार दे सकते हैं कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना चाहिए कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए अब बात करते हैं डॉक्टर साहब के डॉक्टर साहब के साथ इन मौजू पर डॉक्टर साहब बताइएगा कि स्मोक आजकल लाहौर में बहुत ज्यादा है जी तो ये बहुत सी बीमारियों का बायस बन रही है जी जी जिसमें दमे के मरीज भी आ जाते हैं जी, जी. तो क्या करना है सही हमें देखो ये स्मोक जो है ये आइस को भी इफेक्ट कर लिया स्किन को भी कर रही है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हुँ. कर रही है यानी ये स्मोक है क्या यानी पोल्यूट एयर है उसमें नमी शामिल होती है और यानी सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया यानी ये, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जैसे दमा है तो उसको डैमेज जो ही आप है तो वो पल्यूट एयर आप इनल करते हैं तो जाके फेफड़ों पे जाके इफेक्ट करती है और अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है आप शुगर के पेशेंट हैं या उम्र आपकी कम है बच्चे हैं जैसे या बूढ़े हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं इफेक्ट करने की तो साँ जो ऑलरेडी सांस के मरीज़ हैं जिनकी ऑलरेडी सांस की नालियाँ तंग होती हैं सांस के मरीजों की उसको जब भी इलर्जन कोई जाएगी जैसे ये स्मोग है तो उनको सांस की बीमारी में एग्रीवेशन आ जाएगी ज्यादा शिद्दत आ जाएगी जी डा जी, जी, जी बिल्कुल और प्रोटेक्शन इसकी सबसे बड़ी तो मास्क है यानी ये अगर अपनी बॉडी के हवाले से आप मास्क पहनें और आइज के लिए यानी आप ग्लासेस पहने और बॉडी कवर करें और कम से कम आप बाहर ट्रैवल करें यानी आपको बहुत ज़रूरी है वो जाएँ आउटडोर वो नहीं तो जो उससे बड़ी एहतियात है कि आप प्लांट लगाएं और ये हम जो हम खुद लोग पब्लिक जो है ना ये यानी ट्रांसपोर्ट में एक आप पौधा ऐसा जरूर लगाएं जरूर जार। जार। कल को चार बंदों को ऑक्सीजन देता है एक पौधा आप देखें कि एक पौधा चार बंदों को ऑक्सीजन दे रहा है तो हम तो मतलब वो हमारा कल्चर ही नहीं हम गवर्नमेंट इतना कुछ करती है नर्सियों में से फ्री भी देती है प्लांट भी लगाती है हम उसकी केयर भी नहीं कर सकते केयर भी नहीं कर जी जी अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा की दमे के जो मरीज हैं वो अक्सर कहते हैं ये भी कहा जाता है कि जब आप ऐसी बीमारी है तो आप वॉक करें ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें तो स्मोक तो तो बाहर होती है आ, तो हम क्या करें उस वक्त एक्सरसाइज करें बाहर निकले ना निकले नहीं, क्या देखें, क्या करें? देखें, बड़ा आ, जी, जी, देखें आप इंडोर भी कर सकते हैं इसमें इंडोर भी आउटडोर आप मास्क पहन के एक्सरसाइज वॉक की बात वॉक आप मास्क पहन के कर सकते हैं कोई ऐसी बात नहीं आप नाक को कवर करें प्रोपरली तो वॉक करें जैसे असमा के मरीजों को हम रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज बताते हैं कि लंबे सांस लें तो वो आप वो इंडोर कर लें बाकी वो जो हार्ट पेशेंट हैं जो एक्सट्रीम वेदर में वो बेशक ना आ जाए क्योंकि उनके लिए ज़रा मुश्किल है बहुत सर्दी में तो जो टॉलरेट करते हैं आप मतलब बहुत सुबह सुबह न ज़रा थोड़ा सा लेट चले जाए थोड़ी सर्दी कम हो जाए लेकिन इसलिए इंडोर भी वॉक यानी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं ठीक है सर डॉक्टर साहब इससे ओवरकम इसको किस तरह से किया जा सकता है कोई इसकी मेडिकेशंस भी होती हैं सबसे बड़ी तो है प्रोटेक्शन माहौल हम साफ रखें खुद हम अपनी सफाई रखें गिरदोन में प्लांट्स ज़्यादा लगाएं, फिर कम ट्रैवलिंग करें यानी और ये जो हम अपनी गाड़ियों से धुआएं कम अज़ कम उसको तो ठीक कर है सकते हैं ये हमारे बस की बात है तीसरी कि फिर आप डाइट पे भी है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें जैसे आंखों को धोएं बार बार मुंह को नाक को तो जो पोल्यूशन है वो यानी साफ़ हो हर बंदे का अपना रोल है, इसमें। हर का रोल है इसको ठीक करने में एक हुकूमत या कोई डॉक्टर अकेला ठीक नहीं कर सकता जी हुँ हुँ हु। अच्छा डॉक्टर साहब सर्दी के मौसम हो या गर्मी का मौसम हो जब शिदत अख्तियार कर जाता है मौसम तो कुछ लोगों को फालिज या हार्ट अटैक का काफी अटैक हो रहा होता है तो ये क्या है किस तरह से बचा जाए कोई भी शिद्दत जब आती है जैसे गर्मियां या सर्दी उसमें ब्लड प्रेशर आपका फ्लक्चुएट करता है बहुत ज्यादा हो जाता है जैसे सर्दियों उस में उसमें पानी कम पिए जाता है डाइट आप ज्यादा लेते हैं हेल्दी किस्म की और उससे यानी खून की नालियाँ तंग होती हैं तो उसकी वजह से हार्ट अटैक का या उसका इससे शदीद गर्मी में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो बात वही गया आप मौसम के मुताबिक अपने आप को कवर भी करेंगे और उसकी डाइट जैसे गर्मियां तो आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आप और सर को कवर रखेंगे ज्यादा गर्मी दोपहर तो के होगा आप बाहर नहीं जाएंगे इस तरह सर्दियों में यानी प्रोटेक्शन से बड़ा फर्क पड़ता है और अपनी दवाई अगर ब्लड प्रेशर के मरीज है तो प्रॉपरली लें अक्सर लोग दवाई छोड़ देती है फिर कहते जी मुझे तो आज पता चला है मैंने दो तीन दिन दवाई नहीं खाई मतलब ये ये भी एक फैक्टर है बिल्कुल ठीक है ना इलाज से हाँ जी एहतियात होगी तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सी बीमारियों से बचत हो सकती है डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का नाजिन आपने देखा है कि डॉक्टर साहब ने बड़ी मुफीद बातें बताई हैं और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि कोई भी चीज हो हमें प्रिकॉशन लाजमी लेने हैं और जैसे कि हम बात करते हैं ट्रैफिक के हवाले से बात करते हैं कि ट्रैफिक अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपको एक्सीडेंट से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करना है तो इसी तरह अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते वक्त आपको सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है तो अगर कोई बीमारी आती है या फिर कोई ऐसा वायरस आता है तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर होना बहुत जरूरी होती हैं तो नए मौजू के साथ नए प्रोग्राम के साथ हाजिरों कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ हमारे सोशल मीडिया को आपने फॉलो करना नहीं भूलना अल्लाह हाफिज